कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही ये दक्षिण अफ्रीका से लेकर 25 देशों में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साउथ अफ्रीका में चल रही है। यहां एक दिन में ही ओमिक्रॉन केस दोगुने हो गए हैं। हालात कितने चिंताजनक है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाजार बंद चल रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं और लोग फिर अपने घर की चार दीवारी में कैद दिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका में कुल 5 तरह के लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं। इनमें सबसे सख्त लॉकडाउन 5वीं श्रेणी का माना जाता है। अभी के लिए लॉकडाउन की पहली श्रेणी से ही लोग परेशान होने लगे हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। नुकसान तो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई देशों ने साउथ अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कई देश शामिल हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को सामने आया था। उस समय ही वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि उनके देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो 30 से ज्यादा बार म्यूटेट हुआ है। ऐसा डर है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में काफी तेजी से फैल सकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।